आपका आज के वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है पीएम मोदी टॉक्स अबाउट चाणक्य इन यूनाइटेड नेशन स्पीच। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स नाउ। रिसेंटली पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो 76 सेशन है यहां पर दिया है एक बहुत ही पॉजिटिव और इंस्पायरिंग स्पीच। इस स्पीच में इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मेंशन करी। आचार्य चाणक्य की एक कोट है कि अगर एक काम सही टाइम पे आप नहीं करते तो अगर आप वो काम बाद में करते हो तो उस काम की इम्पोर्टेंस पे रह नहीं जाती। अध्यक्ष महोदय, भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमात् काल एव फलं पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हुए, इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया। नाउ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर जो बात कही है ये ऐसी बात है जो सबके दिमाग में है मगर कोई ओपनली बोलता नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत कम होती दिख रही है। वेरियस फ्रंट्स पे यूएन फेल होता हुआ दिख रहा है, चाहे अफगानिस्तान का इशू हो, कोविड का इशू हो, और अभी तो हमने रिसेंटली ये भी देखा कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपको याद होगा वर्ल्ड बैंक भी आपको बताओगा यूएन के अंडर ही आता है, और आपको बताओगा कि हर साल वर्ल्ड बैंक निकालता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। रिसेंटली पता लगा कि चाइना अपने डेटा में इतना करप्शन करता था, चाइना समेत कुछ और कंट्रीज थे ये अपना डेटा इतना छुपाते थे, इतना करप्शन करते थे कि वर्ल्ड बैंक ने ऑल टुगेदर अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट है ये खत्म ही कर दी है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है वर्ल्ड बैंक टू स्टॉप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। फिर WHO की किस तरीके से रेपुटेशन हर्ट हुई है COVID-19 पेंडेमिक में, इसके बारे में भी आप सबको बता है। तो पीएम मोदी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चाहे रिप्रेजेंटेशन की बात हो, ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो, यूएन में ओवरऑल एक बड़ा बदलाव लाना होगा अगर इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये बना के रखनी है। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। ये आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉ और ग्लोबल वैल्यू के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। तो पीएम मोदी यहाँ पर बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि ऑल टुगेदर यूनाइटेड नेशंस को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करना होगा अगर इन द फ्यूचर इसकी इम्पोर्टेंस बना के रखनी है। क्योंकि आप इतिहास में जाकर देखो तो यूएन का जो प्रीडिसेसर था वो था लीग ऑफ नेशंस, ये क्यों फेल हो गया, इफेक्टिव नहीं रहा। आप अगर देखो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, इसको इसलिए बनाया गया ताकि इन द फ्यूचर वॉर ना हो। क्या ये इफेक्टिव रहा, इसका आंसर है नहीं। इसके होते हुए भी वर्ल्ड वॉर टू हो गई। अब यूएन के होते हुए भी हम देख रहे हैं कि पेंडेमिक रैपिडली फैल रहा है, करप्शन ओपनली कंट्रीज कर रही है, रूल ऑफ लॉ ओपनली तोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यूएन की जो इम्पोर्टेंस है इस पर सवाल उठेंगे। और यूएन की देखो इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हम ये कर सकते हैं कि पहली बात तो यूएन के जो रेजोल्यूशंस हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करें। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर इंडिया जैसे जो मेजर कंट्रीज़ हैं इनको भी शामिल करें। अभी के लिए आप अगर देखो तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एशिया जैसे मेगा कॉन्टिनेंट की बस एक रिप्रेजेंटेशन है, चाइना। रशिया आप कह सकते हैं आधा एशिया में आधा यूरोप में आता है मगर फिर भी रशिया यूरोपियन ज़्यादा है कंपेयर टू एशिया। तो इंडिया को बिल्कुल बनना चाहिए एक परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और ये बात इंडिया ओपनली बोल चुका है
कि यूनाइटेड नेशंस के संदर्भ में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ये है भारत के लिए टॉप प्रायोरिटी, और भारत की जो ओवरऑल इम्पोर्टेंस है ग्लोबल स्टेज पर इसको हाईलाइट करते हुए पीएम मोदी ने यहाँ पर ये भी मेंशन किया कि भारत है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जो ये पार्ट है स्पीच का, ये तो डेफिनेटली आपको सुनना चाहिए। मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल। लोकतंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा रही। इस 15 अगस्त को भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया। हमारी विविधता हमारे सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यूएनजीए को संबोधित कर रहा है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, यस डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, यस डेमोक्रेसी हैज डिलीवर। जो ये स्टेटमेंट है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जहाँ पर कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, इवन मैं कहूँगा नॉर्थ कोरिया, ये काफ़ी बार डेमोक्रेसी के सिस्टम पे लगातार अटैक करती हुई दिखी हैं। भारत यहाँ पे ओपनली आ रहा है, यूनाइटेड नेशंस के स्पीच में हमारे पीएम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी डिफरेंट है पाकिस्तान की पीएम की स्टेटमेंट से। आपको याद होगा कुछ ही हफ्तों पहले पाकिस्तान के पीएम ने ये कहा था कि जो चाइना का सिस्टम है ये एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है, बहुत अच्छा विकल्प है वेस्टर्न डेमोक्रेसी का। तो यहाँ पर आप देख पाओगे सोच में काफ़ी हद तक डिफरेंस है। इंडिया ने ऑल टुगेदर यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि हम लोग एक प्रॉपर डेमोक्रेसी थे और हम लोग डेमोक्रेसी रहेंगे, और डेमोक्रेसी रहकर ही हम इन द फ्यूचर आगे डेवलपमेंट करेंगे। और भारत का जो ये डिसीजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंडिया करता है ये मैटर बहुत ज़्यादा करेगा। क्योंकि भारत में आपको बता होगा दुनिया की 1/6 पॉपुलेशन है, दुनिया का हर छठा आदमी एक इंडियन है, और इंडिया अगर एक डेमोक्रेसी होते हुए आगे ग्रो करेगा तो पूरी दुनिया के लिए ये होगा एक शाइनिंग एग्जांपल। और पीएम मोदी ने इसलिए यहाँ पर ये भी कहा है, व्हेन इंडिया ग्रोज द वर्ल्ड ग्रोज। आज विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। When India grows, the world grows. When India reforms, the world transforms. भारत में हो रहे साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित इनोवेशंस विश्व की बहुत मदद कर सकते हैं। और फिर पीएम मोदी ने यहाँ पर बात करी है COVID-19 की, क्योंकि आपको बता होगा कि इस बार जो यूएनजीए का डिबेट थीम है ये COVID-19 से रिलेटेड है। ये मैं जो एक्चुअल वेबसाइट है वहाँ पे आपको दिखा, तो यहाँ पर आप देख पाओगे यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट है और यहाँ पर लिखा है कि 2021 में जो थीम है फॉर द जनरल डिबेट ये है COVID-19 से रिलेटेड, कि वापस दुनिया को हम कैसे रिबिल्ड करेंगे, रिस्पेक्ट कैसे हम देंगे लोगों के राइट्स को, और यूनाइटेड नेशंस को रिवाइटलाइज कैसे करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा पीएम मोदी का जो भी ये स्पीच है ना इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। अभी COVID-19 की बात जो क्या हुई है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस को कैसे रिवाइटलाइज करना है उसकी यहाँ पर बात करी है इंडियन पीएम ने। बाय द वे मैं कहूँगा सबसे बोल्ड तरीके से यहाँ पर कह दिया है कि डेस्परेट नीड है आज के समय यूएन को ओवरऑल चेंज करने की। तो अब हम देखते हैं कि पीएम मोदी ने COVID-19 के बारे में यहाँ पर क्या कहा है। तो ये आपके सामने स्टेटमेंट है इंडियन पीएम की, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि मैं दुनिया को ये इन्फॉर्म कर दूँ कि इंडिया ने बना दी है दुनिया की सबसे पहली DNA COVID-19 वैक्सीन। ये ऑफ कोर्स यहाँ पर बात कर रहे हैं ZyCoV D वैक्सीन की। यहाँ पे आप देख पाओगे वर्ल्ड्स फर्स्ट DNA वैक्सीन फॉर COVID-19। रिसेंटली इमरजेंसी यूज़ के लिए इसको अप्रूवल मिल चुकी है भारत में फ्रॉम द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और इसके अलावा भारत बहुत ही जल्द एक नेजल वैक्सीन भी प्रोड्यूस करेगा। और देखो वैक्सीन के मामले में वापस भारत इन द फ्यूचर आप देखोगे एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करेगा ग्लोबल सप्लाई चेन में। जो बाइडेन ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो क्वाड देश हैं ऑस्ट्रेलिया, US, जापान, इंडिया, ये सब मिलकर
भारत में ही प्रोड्यूस करने वाले हैं 100 करोड़ वैक्सीन, 1 बिलियन वैक्सीन। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया में ही ये प्रोड्यूस करेंगे और ये जो वैक्सीन हैं ये डोनेट की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट इंडो पैसिफिक रीजन में वेरियस कंट्रीज़ को। और इसके लिए जो क्वाड देश हैं इन्होंने एक डैशबोर्ड भी निकाला है, एक वेबसाइट है, आप अगर आप गूगल करोगे ना क्वाड कोविड 19 रिस्पॉन्स इन इंडो पैसिफिक रीजन, तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि किस कंट्री की क्या कमिटमेंट है, यहाँ पर टोटल कितनी वैक्सीन्स अभी डिलीवर कर दी जा चुकी हैं और इन द फ्यूचर टारगेट यहाँ पर क्या है। तो आने वाले 1 से लेकर 1.5 साल में भारत की भूमिका इस पेंडेमिक से दुनिया को निवारण दिलाने में होने वाली है एब्सोल्युटली क्रिटिकल। उसके अलावा आप अगर देखो तो जो एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट है वहाँ पर भी इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंडिया अकेला मेजर कंट्री है आज के समय जो प्रॉपर तरीके से क्लाइमेट चेंज के जो सारे गोल्स हैं उनको फॉलो कर रहा है। तो ओवरऑल आप अगर देखें तो एक बहुत अच्छा स्पीच था। पीएम मोदी ने यहाँ पर भारत की जो इम्पोर्टेंस है इसको मेंशन किया है, कोविड 19 के लिए जेन्युइनली हम क्या कर रहे हैं। एक्चुअली आप अगर देखो तो दुनिया में आज के समय गिनती के ही देश हैं जो कोविड 19 से दुनिया को बचाने में जेन्युइनली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनमें से एक हमारा प्यारा भारत है। तो वी शुड ऑल फील प्राउड कि हम लोग आज के समय दुनिया की हेल्प कर रहे हैं। व्हेन इंडिया ग्रोज द वर्ल्ड ग्रोज इंडीड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑन अनअकैडमी.com। सीधा जाओ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक बाय एनी कोर्स ऑन डिस्काउंट और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे UPSC, SSC, बैंक, CDS, एनी एग्जामिनेशन, सीधा यहाँ पे जाओ और आप परचेज कर सकते हो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। जो UPSC कोर्स है ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। जो आइकॉनिक कोर्स है बाय द वे ये काफ़ी स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो इंश्योर करेगा कि पूरे साल, अगर आप मान लो 1 साल का ये कोर्स लेते हैं तो पूरे साल आप प्रॉपरली कोर्स को फॉलो करें, बीच में 1-2 महीने के बाद ढीले ना पड़ जाएं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स कवर होंगे प्रीलिम्स और मेंस के, आपको मिलेंगी मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। तो जो ये आइकॉनिक पैकेज है यहाँ पे आप खरीद सकते हैं ऑन अनअकैडमी.com, मगर जो प्राइस है यहाँ पर ये जो लिखा है एग्जैक्ट ये प्राइस पे करने की आवश्यकता नहीं है। आप डिस्काउंट यहाँ पे अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड PG10, प्राइसेस यहाँ पे अपने आप गिर जाएंगे। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। बात करें आज इस वीडियो की तो वीडियो में जो है आज बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस की गई हैं, खासतौर पर UN को लेकर कि उसमें जो है वाकई में काफी ज्यादा रिफॉर्म्स की हम देखें तो जरूरत है। बिल्कुल, जिसलिए वो बनाया गया, अगर वो सारी ड्यूटीज अपने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा या जो रूल्स बनाए गए हैं उनको अच्छे से नहीं वो फॉलो करवा रहा, तो आई थिंक यहाँ पर मैं अप्रिशिएट वाकई में करना चाहूंगी PM मोदी जी को कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और जिस तरीके से उन्होंने हम कहेंगे कि चाणक्य जी की एक बात को कोट किया है कि वाकई में, और हम लोग शुरू से भी सुनते आए हैं कि अगर आप टाइम को वैल्यू नहीं करेंगे तो फिर टाइम भी आपको वैल्यू नहीं देता उस तरह से, फिर अगर आप बाद में भी वो काम करते हैं ना तो उस काम का कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं कि राइट टाइम पर आपको राइट एक्शन ले लेना चाहिए। देखो कहते हैं ना आज का काम कल पर मत छोड़ो, बहुत सारी कहावतें हैं और लिटरली वाकई जिंदगी में ऐसे होता है कि आप जब चीजें वो करते पेंडिंग करते जाते हैं वो फिर इतनी डिले हो जाती है ना कि एक टाइम वो आता है कि वो काम कहता है ठीक है भाई तूने मुझे नहीं ना किया, अब तो इसका नतीजा भुगत, वो यूजलेस हो जाता है। हाँ। उसे कोई फायदा नहीं रहता। बट एक चीज मैं बोलूंगी, मुझे हमेशा से PM मोदी जी की बहुत अच्छी बात लगी है और मैं काफी मरदार डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज में ये बात कर चुकी हूँ कि उनका बात करने का तरीका और जो एक होता ना अपनी रूट्स को एक्सेप्ट करना, लोगों के सामने उसको एक्सप्रेस करना, अब जिस तरीके से उन्होंने अपना बचपन गुजारा है या जो उन्होंने स्ट्रगल अपनी एक लाइफ में देखी है वो कभी उसको भूलते नहीं है। ठीक है, वो हमेशा लोगों के सामने एक एग्जांपल सेट करते हैं कि भाई आप भी अगर मेहनत करेंगे तो आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं और आप इंसानियत के लिए, लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक हम कहेंगे कि जीती जागती मिसाल है बहुत सारे लोगों के लिए। देखिए जिंदगी में आप कई बार मैंने बात डिस्कस किया कि जिंदगी में अगर आप मेहनत करते हैं ना तो आपको अचीवमेंट एक टाइम आता है, जरूर मिलती है, आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपका साथ देते हैं, आपकी एक जो है वैल्यू बनाते हैं और यानी जितनी भी आपकी जिंदगी में अप एंड डाउन आते हैं ना आपके साथ खड़े रहते हैं। तो ये है कि आप जब मेहनत करते हैं ना तो बहुत सारे हर्डल्स तो नो डाउट आते हैं, लेकिन आपको एक वो फिर टाइम आता है जब आपको अचीवमेंट मिल जाती है, आपको वो चीज
जो आप पाना चाहते हैं ज़िंदगी में आपको वो नज़र आती है। अभी हम यहाँ पे बाद में करना चाहूँगा वर्ल्ड बैंक की, जैसे वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करता था कि जोन्स कौन कौन से मुल्क है जहाँ पर आप बिजनेस आसानी से कर सकते हैं, तो नो डाउट बहुत सारे मुल्क जो हैं वो उसमें हेर फेर करते होंगे, लाजमी सी बात है अपने मुल्क में बिजनेस लाने के लिए कि यहाँ पर आसानी से बिजनेस आ सके। इवन के मैं वो लिस्ट में पढ़ रहा था कि उसमें चाइना के साथ साथ अज़रबैजान, सऊदी अरब और यूएई भी शामिल हैं। बिल्कुल, वैसे मुझे यकीन है कि होता होगा क्योंकि हमें बहुत सारे देखो अपॉर्चुनिटीज वहां पर बनती हैं, लोग आते हैं, तो डेफिनेटली जो एक हम कहेंगे ना कि फेयर डाटा जो है वो शेयर नहीं किया था। लेकिन मुझे वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर ये चीज जो गलत लग रही है कि बजाय इसके कि वो इस चीज को सही करे ना, उसने काम ही खत्म कर दिया, बजाय इसके कि इस चीज को रिफॉर्म किया जाता है, इसे जो है इस पे बेहतरी लाई जाती है थोड़ी, बिल्कुल वो चीज उन्होंने कहा ठीक है ये खाना खराब हो गया बंद ही कर दो, इसे सील लगा दो, इसमें भाई हमने करना ही नहीं काम, ये वाली बात है, मतलब ये नहीं सुधर सकते भाई, हम पीछे हट जाते हैं। सही बात है, ये कुछ इस तरह का मुझे लगता है कि थोड़ा इस चीज पर फोकस, लेकिन फिर मैं यहाँ पे ये बात आती है कि अगर आप एक चीज को इग्नोर कर रहे हैं ठीक है ना, फिर आप ऐसा ऐसा कितनी चीजों को इग्नोर करेंगे क्या, यानी कि फिर तो ये होगा कि हर चीज पे आप जो है वो मोहर लगाते जाएंगे कि भाई ये हमारे बस का काम नहीं है, फिर इसे जो है साइड पे फेंक दो। तो हाँ नहीं नहीं आप बात पूरी कर लो, मैं फिर तो ये है कि अगर हम वर्ल्ड वॉर वन के बाद की बात करें, जैसे एक धारा बनाया गया ठीक है, उसके बाद जो है फिर वर्ल्ड वॉर टू हो गई, तो ये एक फेलियर था उस अदारे का कि वो चीजों को उस तरह हैंडल नहीं कर सका। अब ये नहीं मुझे मालूम कि वजूहात क्या हुई, लोगों के पर्सनल ईगो थे क्या थे, जो भी था, लेकिन अगर अब देखा जाए तो अब दुनिया वो नहीं रही, अब दुनिया जो है वो एक तरह की वो ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है। मिनट से पहले इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती है। तो इस वक्त में आकर इस तरह की चीजें करना कि भाई क्या नाम लेते हैं, हमसे ये काम नहीं हो रहा, हम इसे बंद कर रहे हैं, तो आप एक तरह का दुनिया को ना फिर से अंधेरे की तरफ धकेल रहे हैं। वैसे मुझे ये लगता है कि अभी ये जिस तरीके से हुआ है, ये फेलियर हमारे सामने आया और न्यूज में आया, मुझे लगता है कि ये अब से नहीं बहुत देर पहले से चीजें हो रही होंगी, क्योंकि होता है ऐसा ना कि हम अपनी नाकामियों को अपनी खामियों को छुपाते चले जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो जितना गंद आप कारपेट के नीचे छुपाते जाते हैं ना, फिर वो भर कर बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल मैं मौजूद वाली बात से अग्री करूंगी कि बजाय इसके कि आप उन चीजों को बिल्कुल ही सील कर दो और कहो कि भाई अब ये नहीं होगा, आगे नहीं चलेगा, आप उनमें रिफॉर्म लेकर आओ, इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, ताकि जो बाकी कंट्रीज हैं वो लोग भी फिर अगर इस तरह से अगर हर कोई अपना एक मनमानी करेगा तो एक बैलेंस नहीं मेंटेन रहेगा। बट अगेन फिर मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी कि जो एक वैक्सीन तैयार की है, मतलब इमरजेंसी यूज के लिए भी हम लोग कह सकते हैं, और फिर जो नेजल स्प्रे भी मतलब बनाया जाएगा, थ्रू आउट पैंडमिक अगर हम बात करें तो इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और मैं कहूंगी कि जिस तरीके से वैक्सीन डोज अपने कंट्री के लोगों को भी उन्होंने मतलब प्रोवाइड की है, डोनेट भी की है, बड़ा नंबर हाँ, और डोनेट भी की है, तो इसमें मैं कहूंगी कि पूरी दुनिया में वैक्सीन को लेकर इंडिया का बहुत योगदान रहा है, और इन फ्यूचर भी जिस तरीके से वीडियो में दिखाया गया है बहुत ज्यादा योगदान रहने वाला है इसमें, और तो मुझे लगता है कि 1 बिलियन डोजेस एक अरब, और डोनेट भी तो करना है उसमें से इतने ज्यादा, मतलब सारी डोनेशन के लिए तो बनानी है। हाँ बट मैं बात करती हूँ उसमें से हमारा कंट्री भी आएगा ना डोनेशन लेने वालों में आएगा, देने वालों में नहीं आएगा भाई, लेने वालों से ही बात कर रही। बट एक चीज और जिसे जो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि आप ना एक्चुअल मुद्दों पर बात करते हैं, ठीक है ना, ये अब जब यूएन में जाते हैं आप, वहां पर आपको फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए और एक्चुअल मुद्दों पर बात करनी चाहिए, रादर देन के आप जो वो कहते हैं ना कि जो एक पुरानी चीजें वो घसीटते रहें, तो मुझे लगता है कि उन चीजों का इतना फायदा नहीं होता। आपको अगर अपनी बात सुनवानी है दुनिया में या दुनिया तक पहुंचानी, तो उसके लिए आपको अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर आप बोलते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई आपकी बात पर कोई ध्यान भी देगा। लोगों का एटीट्यूड ये होगा भाई ये तो बोलता है बोलने दो इसको, तो मुझे लगता है कि वो लेवल लाने के लिए कि लोग आपको सुने, सबसे पहले आपको अपनी खामियों को अपने आप को और अपने घर पर काम करना पड़ेगा। वैसे जब भी पीएम इमरान खान यहाँ पर बात ही रहती तो एक डर ही लग जाता है हम लोगों को कि पता नहीं अब कौन सी बात करती है, क्योंकि हम लोग न्यूज चैनल इतने ज्यादा देखते नहीं है, तो जो भी हम लोगों को पता चलती है बातें वो ज्यादातर हम
लोगों को यूट्यूब वीडियो से ही पता चलती है, और आई होप कि हमारे लीडर जो हैं वो भी एक फोकस्ड वे में काम करें और जो एक्चुअल मामलात हैं उन पर ज्यादा तवज्जो दें, रादर देन कि वो पुरानी और घिसी पिटी चीजों को दोबारा से रिपीट करते रहें, क्योंकि ये चीज अब सामने आ चुकी हुई है कि लोग नहीं सुनते और ना ही उन पर असर होता है। तो गाइज इसी नोट के साथ हम करते हैं समाप्त अपना आज का वीडियो, और हमें दे इजाजत हमारे और हमारे चैनल को लाइक, हमारे वीडियोस करें, हमारे वीडियो को करें लाइक, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और हमारे वीडियोस को करें शेयर, एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।